ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं वो वृंदा को बेस्ट विशेस दे रहे हैं ग्रैंड फिनाले के लिए। ये हमारे पास आई है सिर्फ हम लोगों से मिलने के लिए और सब इसके साथी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इसका उत्साह बढ़ाने के लिए। और हम सब की दुआएं हैं, हम सब प्रे कर रहे हैं कि वृंदा जो है सबसे बड़ा कलाकार के ग्रैंड फिनाले में फर्स्ट प्राइज हमारे सबके लिए लेकर के आए। गुजराल, अभी मैं मुंबई से जम्मू आई हूँ अपने सारे फ्रेंड्स से मिलने। और मैंने ट्रंक में मैंने 3 इयर्स काम किया हुआ है, उन्हीं के कारण मैं अभी सबसे बड़ा कलाकार में फाइनलिस्ट बनी हूँ। और मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को मिलने आई हूँ जिनके साथ मैंने 3 इयर्स लगातार काम किया है। हमारा बहुत सारे प्लेयर्स हुए नेशनल लेवल्स वाले, तो यहाँ पे मैं उन सबकी बेस्ट विशेस लेने आई हूँ। और अभी मैं थोड़े ही दिनों में जा रही हूँ वापस से मुंबई अपने ग्रैंड फिनाले के लिए, तो मैं इन सब से बेस्ट विशेस लेके जाऊँगी। इन सब की मतलब विशेस मेरे साथ होंगी तो मैं भी विनर बन सकती हूँ। तो मेरे सर हैं नटरंग के पद्मश्री बलवंत ठाकुर सर, उनकी भी बहुत सारी विशेस हैं मेरे साथ। और सैटरडे संडे हमारा शो आता है सबसे बड़ा कलाकार सोनी टीवी पे रात 8 बजे, देखना मत भूलिए मुझे सबसे बड़ा कलाकार। एक बड़ी खुशी का मुकाम है पूरे जम्मू के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, कि एक यहाँ का एक बच्चा जो है पूरे भारत में और पूरे इतना बड़ा विशाल देश है, आप इसकी लेंथ और ब्रेथ देखिए, आप इसकी पॉपुलेशन देखिए, इसका टैलेंट देखिए। खास तौर पे 50,000 बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्ट होता है और वो टॉप 10 तक पहुंचता है, और टॉप 10 के बाद लगातार फिर टॉप 9, टॉप 8, टॉप 7, टॉप 5, और आज जो है ये बच्चा जो है टॉप 3 में फाइनलिस्ट है और ये वापस यहाँ पर आई है। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और इसलिए भी अच्छा लग रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो स्ट्रेंथ इसको मिली है यहाँ पर आने से, जो जिस तरह से अपने साथियों को मिलने के बाद हमेशा होता है कि हिम्मत बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, और सब ने बहुत बहुत इसको बेस्ट विशेस दी हैं कि ये ग्रैंड फिनाले में अवार्ड लेके आए। और ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हमारे देश में इससे ज़्यादा टैलेंटेड एक्टिंग में कोई बच्चा नहीं मिलेगा, इतनी इसके अंदर मैच्योरिटी है। 3 साल इसने यहाँ पर काम किया, और 3 साल ये नहीं है कि सिर्फ कभी कभी कभार आए, ये 3 साल में हर दिन नटरंग में होती थी। और बड़े बड़े जो नाटक हमारे हैं, आप हमारे हैं कौन, मेरे हिस्से की धूप कहाँ है, और दूसरे नाटकों में इसने काम किया, पूरे देश में ये घूमी है, बहुत सारे नेशनल्स में इसने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और मैं तब से देख रहा हूँ, अब तो ये थोड़ी बड़ी भी हो गई है, 3 साल पहले कितनी छोटी रही होगी, तब भी इसका स्टेज का कॉन्फिडेंस देखने लायक होता था। कई जगहों पर इसको एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनाइजर्स ने अलग से ऑनर किया है, सब लोग जहाँ जहाँ भी गई है कहते हैं कि अमेजिंग टैलेंट है, इसका ऑब्जर्वेशन देखिए, इसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टर देखिए, और ख़ास तौर पे जिस अलग अलग तरह के करेक्टर्स ये निभाती है। आपने इसको टेलीविज़न पे इतने 4 महीने से लगातार इसके शोज़ आ रहे हैं, आपने देखा होगा इसमें बहुत वेरिएशन है, सीरियस करेगी तो इतनी सीरियस होगी कि सबको रुला देगी, और जब कॉमेडी तो ये करती है, इसका बेसिकली होल्ड कॉमेडी पे है, तो कॉमेडी तो बस हंसा हंसा करके सबको उल्टा कर देगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत है, और जितने भी इसके एक्ट आते थे उसमें मेजॉरिटी ऑफ एक्ट्स में जो इसके डायलॉग्स होते थे खुद इम्प्रोवाइज करते थे। आज तक मुझे कभी ऐसा कोई मौका नहीं मिला जब इनके माँ बाप जो है इसको कभी रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने ना आए, पूरी टीम को, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बच्चा जो है, जब आप आने वाले सैटरडे संडे को इसके शो देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत में इससे बेहतर टैलेंट किसी का नहीं है। पिछले 4 महीनों से वो मुंबई में ही है और उसकी मदर उसके साथ है, तो वृंदा ने वहाँ पे एक से बढ़कर एक अच्छा एक्ट वहाँ पे परफॉर्म किया है। मैक्सिमम पहले तो इसका कॉमेडियन चल रहा था, काफ़ी कॉमेडी में 8-10 एक्ट किए, देन उसके बाद एकदम इसने अपने आप को चेंज कर दिया और इमोशनल एक्ट की तरफ आ गई। तो कुछ एक्ट इसके इतने ज़्यादा हाईलाइट हो चुके हैं कि उनको उनके व्यूअर की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है,
20 मिलियन 10 मिलियन 8 मिलियन तक पहुंच गई है। और इसमें एक दो एक्ट ऐसे थे जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक्ट था जो बहुत ही, उसको तो 20 मिलियन पीपल्स जो है उन्होंने व्यू किया प्लस शेयर किया लाइक किया है। तो उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी जी और जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, उन सब ने उस एक्ट को लाइक किया है। तो मैं उन सबको बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बच्ची के इस एक्ट को लाइक किया, रियासत जम्मू कश्मीर का नाम उसने रोशन किया है। तो एक मुंबई के हिसाब से या अदर स्टेट के हिसाब से हमारी रियासत अभी थोड़ी सी पीछे है, लेकिन फिर भी इतने बड़े मंच पे जाकर उसने अपनी रियासत का नाम रोशन किया है। तो इसके लिए मैं सभी अपने जम्मू के वासियों का थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, टाइम टू टाइम उसको सपोर्ट करते रहे। मैं बहुत खुश हूँ वृंदा के लिए कि वो इस प्लेटफॉर्म से उतने बड़े प्लेटफॉर्म तक गई, और आई होप और भी बहुत सारे बच्चे उसकी तरह आगे एक्सीड करें। और हम भी वृंदा की तरह बनना चाहते हैं, जैसे कि वो सबसे बड़ा कलाकार पे गई है और वो जीत के भी आएगी मुझे इतना पता है, और हम भी उसकी तरह वहाँ ऐसे परफॉर्म करना चाहते हैं, हम भी उसकी तरह ऐसे फेमस होना चाहते हैं। एंड माई विशेज़ विद हर।